سبحان الله جزاك الله خيرا यही कुरान था पत्थर भी सुनकर मोम होते थे, यही कुरान था पत्थर भी सुनकर मोम होते थे, वही कुरान अब भी है मगर किस्सा पुराना है। कुछ इस अंदाज से अब अपनी हर महफिल सजाना है, दिलों में आखिरी पैगाम की अजमत बिठाना है। हजरत कारी साहब, बिल्कुल कुरान करीम के अंदर डूब कर जिसको कहिए कि तिलावत फरमा रहे थे, और हम सब माशाअल्लाह झूम झूम कर महजूज हो रहे थे। अब आइए अल्लाह तबारक व ताला की बाबरकत कलाम की तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के वसूल के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाए हुए उसूल के मुताबिक उस पर अमल करते हुए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जहां भी अपना तस्किरा किया, हम सब के आका ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साथ में तस्किरा किया। हम कलिमा पढ़ते हैं तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद इस कायनात के अंदर अगर कोई शख्सियत तारीफ और हम्द व सना के लायक है तो यकीनन बिला मुबालगा वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत जात है। आइए हम और आप सही मानों में उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकते, न नज्म में कर सकते हैं, न तकरीर में कर सकते हैं, न नात में कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमसे हो सके शहीदों में जिसे कहते हैं नाम लिखाने के लिए उंगली कटा लेते हैं, बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत का नजराना पेश करने के लिए मैं इसी मस्जिद के इमाम हजरत हाफिज व कारी शफीउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और आप नाते पाक पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, नाते पाक से कबल चंद अशार हाजिर खिदमत हैं, समात फरमाएं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। यूं ही नहीं है बंत समुंदर में रास्ते, समुंदर में रास्ते। यूं ही नहीं है बंत समुंदर में रास्ते, समुंदर में रास्ते, समुंदर में रास्ते। दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए,
दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। नात पाक समात फरमाए, आए जहां में जो नबियों के सरवर, गूंजा ये नारा दुनिया में घर घर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। आगोश में आमी नबी के आए, हूरों मलक ने तराने सुनाए, आगोश में आमी नबी के आए, हूरों मलक ने तराने सुनाए, गिलमान आका को झूला झुलाए, बूजहल भी देख खुशियाँ मनाए, उतरा फलक से, उतरा फलक से फरिश्तों का लश्कर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मांगी उमर के लिए जो दुआएं, अरशे बरी पर पहुंची सदाएं, मांगी उमर के लिए जो दुआएं, अरशे बरी पर ये पहुंची सदाएं, आमीन कहकर मलक मुस्कुराए, हुआ हुक्म वो दार अरकम में जाए, हुआ हुक्म वो दार अरकम में जाए, आए तो असहाब बोले ये मिलकर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बज़्मे नबी में क्या क्या नहीं है, बूबकर फारूक उस्मा अली है, बज़्मे नबी में क्या क्या नहीं है, बूबकर फारूक उस्मा अली है, सारे सहाबा सितारों के मानिंद, मेरे नबी चांद जैसे है। कितना प्यारा, कितना प्यारा कासिम ये मंजर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। थामे रही आका की शरीयत, थामे रही आका की शरीयत, पाती रही ईमा की हलावत, थामी रही आका की शरीयत, पाती रही ईमा की हलावत, जब के यकी था होगी शहादत, नारा था उस दम सुमैया के लब पर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर,
नारे तकबीर अल्लाह।